हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय वीडियो। पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये डिस्कस किया था कि दो नंबर को एंटर करते हैं रन टाइम में, यूजर से इनपुट करेंगे और उसमें हमने ये चेक किया था कि विच इज नंबर ग्रेटर इन टू नंबर। हमने दो नंबर एंटर करे, दो नंबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है उसमें ये चेक किया था। और ये चेक किया था लास्ट वीडियो में हमने कि इफ के अंदर हम वैल्यू वन कैसे रिटर्न होती है और जीरो कैसे रिटर्न होती है। देखिएगा, आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे, हम कोई स्पेसिफिक नंबर चेक करेंगे और उसमें ये फाइंड आउट करेंगे वो नंबर इवन है और ऑड। आपने सम और विषम के बारे में ही तो सुना होगा, ओके? जैसे कोई भी नंबर लेंगे आप, मान लो सपोज करो, देखो आज का वीडियो का एजेंडा क्या है हमारा, मैं आपको बता भी देता हूँ इवन ऑड नंबर होते क्या है, ओके? देखिएगा, मेरे पास एक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है। जैसे मान लो मेरे पास नंबर हुआ एक, मेरे पास एक नंबर है मान लो सेवन है, ओके? मुझे सेवन चेक करना है कि सेवन इवन है या ओड है, यानी कि सम है या विषम है। आप इसको क्या करेंगे, टू से इसको डिवाइड करेंगे। मान लो टू वन जा वन, टू टू जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, तो टू थ्री जा कितना आ गया, सिक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, सेवन में से सिक्स माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचता है हमारा, वन बचता है। देखिएगा, ये नंबर हुआ हमारा ओड नंबर। कौन सा हुआ, ओड, ओड नंबर। ओड नंबर की पहचान क्या होती है, देखिएगा, ऐसे नंबर जिस नंबर को टू से डिवाइड करने पर अगर हमारा रिमाइंडर वन बचता है तो वो नंबर माना जाता है ओड। तो इवन नंबर किसे कहा जाता है, इवन नंबर उसे कहा जाता है, मान लो मैंने ले लिया टू और यहाँ पे मैंने जो डिवाइड करा वो करा सिक्स को, ओके? आप इसका टू से रिमाइंडर निकालिएगा, टू थ्री जा कितना आ गया आपका यहाँ पे, सिक्स आ गया। सिक्स में से सिक्स घटाइए कितना बच गया, जीरो। यहाँ रिमाइंडर आपका क्या बच गया, जीरो। जहां पे किसी भी नंबर को टू से आप डिवाइड करते हैं और उस नंबर का रिमाइंडर आपका जीरो बचता है तो उस नंबर को बोलते हैं इवन नंबर, यानी कि सम नंबर, ओके? इतना समझ आया आपको? बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि ऐसा नंबर जो टू से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, किसी भी नंबर का टू से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर वन बचता है तो ओड है, यदि उसका रिमाइंडर जीरो बचता है तो नंबर वो इवन है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्या करेंगे, हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसके लिए हम कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे और उसका टू से आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर यदि वन के इक्वल है तो ओड करे और रिमाइंडर जीरो के इक्वल है तो वो इवन करे, ओके? तो हम इसकी कोडिंग करते हैं। हम देखेगा, हमने क्या करा, पहले तो वही हेडर फाइल डिक्लेयर किया स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर इसके बाद हमने क्या करा, मेन फंक्शन लगाया, फिर यहाँ पे हमने इंट के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे नम वेरिएबल, ओके? फिर इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एंटर एनी नंबर। आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर डालेंगे, एंटर एनी नंबर फॉर चेक इवन और ओड, या तो वो इवन हो या फिर वो ओड हो, ओके? तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, स्कैनर पर्सन बी कोट कॉमा एम परसेंट और यहाँ पे आ जाएगा आपका नम, ओके? इसके बाद आप यहाँ पे इफ लगाएंगे और इफ लगाने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, नम रिमाइंडर टू, ओके? रिमाइंडर आप किससे फाइंड आउट करेंगे, इसका टू से, और कितने के इक्वल होना चाहिए, जीरो। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि यहाँ पे ये दो इक्वल क्यों कर रहा। पहले तो हम इस वाली पोजीशन को थोड़ा सोल्व करते हैं। जैसे मान लो मैंने नम के अंदर वैल्यू डाला सेवन, क्या डाल दिया, सेवन, ओके? सेवन वो किससे रिमाइंडर निकाला, टू से। तो यहाँ पे देखेगा, अगर मैं सेवन डाला टू से रिमाइंडर निकाला तो ट्रूथ इज अ सिक्स। तो यहाँ पे ये जो, यानी कि जो ये वाला ऑपरेटर है ना, जो मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज किया, ये वाला जो ऑपरेटर ये रिमाइंडर निकालता है, यानी कि इस वैल्यू को लेता है, इस वैल्यू को टेक करेगा। तो इसने क्या ले लिया यहाँ पे, वन। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, वन आ चुकी इस एरिया के अंदर, ओके? यानी कि इस वाले लेफ्ट एरिया में, और राइट एरिया में क्या है, वन है। राइट एरिया में वन है और लेफ्ट एरिया में वन है। क्या वन बराबर है जीरो के, बताइए आप, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, वन बराबर है जीरो के, तो कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हो, फॉल्स हुई, ओके? चलो यहाँ तो फॉल्स होगी, और आपको मैंने ये भी बता था जब कंडीशन फॉल्स होती तो इफ नहीं चलता, अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एल्स। अगर सपोज करो, मान लो मैंने नंबर एंटर करा सिक्स और टू से नहीं रिमाइंडर निकाला, टू थ्री जा सिक्स, तो सिक्स में से सिक्स क्या है, जीरो। तो इसका मतलब इस वाले एरिया में यहाँ पे क्या बचा, जीरो,
और इस वाले पार्ट में भी यहाँ लेफ्ट राइट में भी जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट के, तो जीरो बराबर है जीरो के, कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हुई, तो कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसे क्या दिखाना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए इवन नंबर, ये हमारा है इवन नंबर। अगर मान लो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या पड़ेगा एल्स, और यहाँ पे क्या दिखाएगा वो ऑड नंबर, ओके ऑड नंबर। तो इस प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक मिनट मैं सी का कोड खोल लेता हूँ, यहाँ से फोल्डर मैंने दे दिया यहाँ पे नंबर इवन ऑड डॉट सी, ओके। तो देखिएगा अभी आपसे क्या पूछ रहा है, ये एक नंबर पूछा है, तो आपको कोई भी एक स्पेसिफिक यहाँ पे नंबर एंटर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर एंटर करा 25, तो एंटर करेंगे तो देखिएगा 25 में क्या पड़ेगा, पहले तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ओके यहाँ देखिएगा कोड में, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने नंबर क्या एंटर करा 25, ये 25 नंबर एंटर कहाँ जाए नम वेरिएबल के अंदर, तो वो किससे रिमाइंडर निकाल रहा है 2 से, तो यहाँ पे जैसे 2 से रिमाइंडर निकाला है 25 का, तो आप इसको पहले इसको यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर में वैल्यू क्या बचती है, 2 1 1 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, कितना बच गया 0, ताली हमने कितना 5, ओके यहाँ पे 2 2 जा कितना हो चुका 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, अब रिमाइंडर में जो बचा यहाँ पे क्या वैल्यू बची, यहाँ पे बच गई 1, तो जाहिर सी बात है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच रहा है 1 बच रहा है, जब 1 बच रहा है क्या 1 बराबर है 0 के, बताइए अब क्या यहाँ इतने एरिया में हमारा क्या बच रहा है 1, और जब 1 है क्या 1 बराबर है 0 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, और जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या चलेगा एल्स, और वो क्या दिखा देगा आपको ऑड नंबर, चेक करें एक बार कंपाइल करेंगे एंटर करेंगे आप, या बिल्कुल ऑड नंबर दिखा रहा है आपको, तो इस तरह से हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। और दोबारा से आप इसको रन करेंगे, मैंने मान लो डाला 6, तो आप देखिएगा रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, तो 0 बराबर है 0 के, तो इसलिए वो क्या रीड कर रहा है, वो पढ़ रहा है आपका इवन नंबर, ओके। तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर फाइंड आउट एंटर करके हम उसको ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर इवन है या ओड है आपका, ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम चेक करेंगे लीप ईयर एंड नॉट लीप ईयर, देखिएगा उसमें क्या होता है, हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, देखिएगा बताता हूँ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आर, और मैं क्या कर देता हूँ आर इक्वल्स टू नम रिमाइंडर 2, इसमें क्या होगा, इस पोजीशन में क्या होगा, जो भी आप कोई एक नंबर एंटर करेंगे वो नंबर एंटर हो जाएगा नम में। अब वो क्या करेगा, मान लो आपने 7 एंटर करा तो 7 का उसने 2 से रिमाइंडर निकाला, तो अगर आप 7 का 2 से रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या आता है, चेक करें देखिएगा, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं वर्क को, इरेजर, कितना एंटर करा मैंने 7, ओके। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इसका, आप यहाँ पे 7 का क्या आता है वैल्यू, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, मैंने नंबर एंटर कौन सा करा 7, इसका रिमाइंडर निकालते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा 2 का 2 3 जा मेरा यहाँ पे कितना हो चुका 6, और यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये जो 1 है 1 कहाँ पे जा चुका, यहाँ पे जैसे मैंने नंबर 7 एंटर करा था 2 से रिमाइंडर निकालने पर आर की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो अब हम किसको चेक करेंगे, आर को चेक करेंगे ना, क्योंकि आर में ये तो 1 आएगा या 0 आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर मैंने इफ लगाया और यहाँ पे आर इक्वल्स टू किसके इक्वल है 0 के, तो वो क्या रीड करेगा इवन नंबर वरना ओड, तो कंपाइल करें इस कोड को, देखिएगा यहाँ पे भी ऐसे ही, तो वो ओड रीड कर रहा है, ओके। अगर मुझे दिखाना है 6 तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 1 है, अगर मुझे चेक करना है तो 5 इज ए ऑड नंबर, ओके। 4 को चेक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अगेन कर सकते हैं, इट्स क्लियर, या अब हम इसके अंदर एक चेक करेंगे लीप ईयर है या नॉट लीप ईयर है, तो देखिएगा इस कोड को मैं बना रहा हूं अभी। लीप ईयर आपको पता होगा लीप ईयर क्या है, एक ऐसा ईयर जिस ईयर के फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, ओके, यानी कि जो फरवरी का महीना होता है जिस साल के अंदर फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं, वो और हमेशा 4 साल बाद आएगा, आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं, देखिएगा मैं कैलेंडर आपको यहाँ पे शो करता हूँ,
देखिएगा जैसे यहाँ पे कैलेंडर है 2018 है, ये हर 4 साल बाद आएगा, यानी कि इससे पहले जो लीप ईयर आया था वो हमारा 2016 में आया था, उसके फरवरी के महीने में 29 दिन थे। अभी दिखाता हूं मैं आपको, सॉरी, देखिएगा ये फरवरी है, यहाँ पे कितने 29 डेज, देखिएगा यहाँ पे मंथ लगा के, इसके 4 साल बाद आएगा 2020 में आएगा, यानी कि 2000 साल हुए। चेक करें, देखिएगा 17 में 29 दिन है फरवरी, 2017 फरवरी के महीने में, नहीं नहीं है। इसी तरह से आप 18 में चेक कर सकते हैं, 2018 नहीं है, देखिएगा 28 ही है। 19 में चेक करें, अब जो 19 आने वाला है 2019, उसमें चेक करें नहीं है। 2020 में चेक करें, 2020 में 29 डेज आ रहा है। ओके, तो यानी कि ये हर मंथ के, हर ईयर के, हर 4 साल बाद आता है, और उस 4 साल में जो जो ईयर होता है उस फरवरी के मंथ में 29 डेज होता है, तो वो इसलिए इसको लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब इस कोड को कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, या मैंने क्या करा, इनके अंदर एक ले लिया ईयर और एक ले लिया मैंने आर, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एंटर एनी ईयर, यहाँ पे मैं क्या करूँ, कोई भी ईयर एंटर कर दूंगा। ओके, जैसे मैं ईयर एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, स्कैन अप, और यहाँ पे क्या जाएगा, परसेंट डी परसेंट, यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ईयर के अंदर। ओके, फिर इसके बाद में क्या करूंगा, आर इक्वल्स टू, मैंने कितने यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर रिमाइंडर 4। आपको देखो मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूं तो ये किस तरह से काम कर रहा है, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। ओके, मालूम मैंने जो ईयर एंटर करा वो करा 2012 मैंने ईयर एंटर किया, और मैं इसको यहां से किससे निकालता हूँ, रिमाइंडर निकालता हूँ यहाँ पे 4 से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 4 5 जाए कितना हो चुका, 20। ओके, यहाँ पे 0 आ चुका है, यहाँ पे क्या बच गया, 0, और यहाँ पे हमने एक बार और 0 लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो 4 3 जाए कितना होता है, 12, कितना होता है 12, पहले तो यहाँ पे मुझे 12 था नोट करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, और 12 में से 12 माइनस सब्ट्रैक्ट किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया, 0। यानी कि जो आपने, आपसे कंप्यूटर क्या पूछ रहा है कि एंटर यानी ईयर, आप जिसे ईयर एंटर करा आपने 2012, तो 2012 इसमें आ गया। फिर उसने क्या करा, जो ईयर में आपने वैल्यू डाली थी तो उसने रिमाइंडर निकाला 4 से, तो वहां पे क्या वैल्यू ले रहा है, जब आप 4 से रिमाइंडर निकाल ले हो 2012 का, तो देखिएगा क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैंने कहा यदि आपका आर बराबर है किसकी, 0 के, तो वो इसके अंदर क्या दिखाए, वो दिखा दे यहाँ पे लीप ईयर। ओके, वरना उसे क्या दिखाना चाहिए, प्रिंट ऑफ के अंदर वो दिखा दे नॉट लीप ईयर। ओके, नॉट लीप ईयर। ओके, अब इस कोड को हम सेव करते हैं यहाँ पे ईयर डॉट सी। तो देखिएगा 2012 एंटर करता हूं तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए वो इसको रीड कर रहा है, वो रीड कर रहे हैं यहाँ पे लीप ईयर। अगर मान लो मैं डालता हूं 2013, क्या दिखा रहा है, नॉट लीप ईयर। फिर इसको मैं इसको यहां से बंद करता हूं, फिर इसको चेक करता हूं यहाँ पे 2015 डालता हूं, नहीं नॉट लीप ईयर है, नहीं है। 2000 में 16 को डालता हूँ, इज ए लीप ईयर। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी ईयर चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा लीप ईयर है या नहीं है, देखिएगा। ओके, तो ये कोड इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। अब 2019 कमिंग सोन 2019 इज नॉट लीप ईयर, यानी कि इसमें लीप ईयर ये नहीं है। ओके, अब हम इसके अंदर एक कोड और जानेंगे कि हमने मान लो कोई एक स्पेसिफिक नंबर डाला, अब उसमें हम ये चेक करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। आपको इतना तो मालूम ही होगा, इतना तो मैथ आपने पढ़ ही रखा होगा, तो फिर भी मैं अगर जिसको नहीं पता के बार एक बार मैं उसको बता देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान क्या होती है। देखिएगा मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे हाँ 1 है, 2 है, 3 है, ओके 4 है, 5 है, बीच में आगे 0, -1, -2, -3, -4, -5। ओके, ऐसे नंबर जो 0 से बड़े होते हैं वे माने जाते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ये तो 0 से बड़े, 0 से बड़ा कौन कौन है,
वन टू थ्री फोर ओके फाइव, और जो जीरो से छोटे हैं, मान लो जैसे मैंने क्या करा यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे मैंने राइट किया क्या माइनस माइनस फाइव माइनस फोर माइनस क्या थ्री माइनस कौन सा आ गया टू माइनस वन जीरो बच गया, फिर इसके बाद में वन टू थ्री फोर फाइव, तो यानी कि अब ये देख रहे हैं जो माइनस वाली कैटेगरी के होते हैं वे टोटल क्या होते हैं, वे होते हैं आपके नेगेटिव नंबर। तो ये बताइए माइनस फोर जो है वो जीरो से बड़ा है छोटा है, तो ये तो जीरो से क्या है छोटा है, तो इसलिए क्या रीड करेगा नेगेटिव नंबर। और अगर आप देखा यहाँ पे फोर, यहाँ पे ये रीड करें अगर फोर देखें तो ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो आपका नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है जीरो से। तो अब हम इसको कैसे इसको कोड राइट करेंगे, इसका कोड देखते हैं। ओके देखिएगा मैंने क्या करा, यहाँ पे कोड चलाया स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच मेन फंक्शन, मैंने इंट के अंदर एक वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे मैंने क्या करा एंटर एनी नंबर, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर डाल सकता हूँ एंटर एनी नंबर, यहाँ पे स्कैन ऑफ पर्सन डी एम परसेंट, यहाँ पे वैल्यू कहाँ जाएगी एन में। ओके मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर जो जीरो से ग्रेटर हैं तो उस नंबर को क्या रीड करेगा, वो रीड करेगा आपका पॉजिटिव नंबर। ओके और जो जीरो से छोटे हैं वो क्या रीड करेगा आपका नेगेटिव नंबर। ओके इसको सेव करते हैं एक बार कंपाइल, पॉजिटिव और नेगेटिव डॉट से। ओके अब मैं यहाँ पे डालता हूँ फोर फाइव इज ए पॉजिटिव नंबर, अगर मान लो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इस कोड को कंपाइल करता हूँ और मैं यहाँ पे अब डाल देता हूँ माइनस के नाइन, क्या माइनस नाइन ग्रेटर है जीरो से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू डिजिट है, जो माइनस से ऊपर के होते हैं वे सब पॉजिटिव और माइनस से नीचे होते हैं, तो माइनस नाइन है, माइनस नाइन का मतलब जो जीरो से नीचे है ये तो जीरो से भी छोटा है, तो क्या आएगा ये एल्स पड़ेगा कंडीशन, क्योंकि माइनस के नाइन बढ़ा है जीरो से, नहीं कंडीशन फॉल्स हो चुकी, तो कहाँ आएगा वो एल्स पे, तो क्या पड़ेगा वो नेगेटिव नंबर। देखिएगा पढ़ लिया, अगर मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ मैं फाइव तो कौन सा नंबर है पॉजिटिव नंबर। ओके तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा, ये चेक करा कि कौन सा नंबर इवन ऑड होता है, लीप ईयर कौन सा होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसा होता है। ओके फिर ओके आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। हाँ यदि किसी वीडियो में किसी आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे आप उस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ओके और हाँ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा जिससे कि मेरा वीडियो का आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स थैंक यू सो मच, बाय, गुड इवनिंग।